जन्माष्टमी पर्व पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास में भी जन्माष्टमी का उत्साह देखने को मिला। सीएम हाउस में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आयोजित किया गया, जिसमें कई रंगारंग कार्यक्रम किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नटखट कन्हैया के साथ मटकी फोड़ी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आवास पर धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। इस दौरान सीएम मोहन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता प्रेरणा देती है। मध्य प्रदेश में भगवान श्री राम ने अनेक वर्ष निवास किया, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने प्रदेश में आचार्य सांदीपनी आश्रम उज्जैन से शिक्षा ग्रहण की। इस नाते मध्य प्रदेश गौरवशाली प्रदेश है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय समाज के इन दोनों प्रमुख आराध्यों की प्रदेश से जुड़ी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए उन स्थानों के विकास का निर्णय लिया है। इसके साथ ही भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व और मध्य प्रदेश में शिक्षा प्राप्ति से जुड़े विभिन्न पक्षों पर शोध को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। कार्यक्रम में उज्जैन के बच्चों ने मलखंब खेल का प्रदर्शन किया। बच्चों के करतब को देख वहां मौजूद लोग अचंभित रह गए। मुख्यमंत्री ने मलखंब के सभी बच्चों को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े स्थानों को विकसित करने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।